नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सूखाग्रस्त जिलों का दौरा। धान की फसल के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से खर्च का हिसाब लेगी यूजीसी की टीम। दूसरे वनडे में जीत के साथ भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। अंतिम पंगाल ने भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सूखाग्रस्त जिलों का दौरा। इस साल पर्याप्त से कम हुई मानसूनी बारिश की वजह से बिहार के कई जिले सूखे की जद में आ गए हैं। इसको देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखे की जद में आए ऐसे 3 जिलों का निरीक्षण किया, जिनमें शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय जिला शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए आईपीआरटी बिहार ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि शेखपुरा जिले में धान रोपनी के आच्छादन का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गाड़ी से उतरकर सुखाड़ का आकलन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हवाई सर्वेक्षण में वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है, जबकि सड़क मार्ग से जमीनी हकीकत का पता चलता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिले में कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। इन्हीं में से एक हैं बिहार की श्वेता सिंह, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई। 21 अगस्त 1977 को बिहार के पटना जिले में जन्मी श्वेता सिंह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता है। अपने करियर का शुरुआत उन्होंने तब किया जब वह पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के प्रथम वर्ष में थी। आज तक में शामिल होने से पहले उन्होंने जी न्यूज और सहारा के लिए काम किया। उनके शो सौरभ का सिक्सर ने 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम का पुरस्कार जीता। यही नहीं, उन्होंने आज तक समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में कुछ फिल्मों जैसे चक्रव्यूह आदि में भी अभिनय किया है। धान की फसल के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। बिहार में इस साल मानसून में हुई कम बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार इन किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, जिनकी धान की फसल बर्बाद हो रही है। इस बीच नई सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। वहीं दूसरी ओर पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अलग अलग जिलों में पहुंचकर सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इंटर पास कर चुकी छात्राओं के लिए खुशखबरी। बिहार बोर्ड की वैसी छात्राएं जिन्होंने 2021 में इंटर की परीक्षा पास की थी, वैसी छात्राओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल साल 2021 में इंटर परीक्षा में प्रदेश भर से 5,24,156 छात्राएं सफल हुई थी। इनमें से 3,10,000 को प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। शेष 2,08,000 छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि उनके आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे। अब शिक्षा विभाग प्रोत्साहन राशि से वंचित छात्राओं को जल्द ही योजना का लाभ दिलाने जा रही है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभुक छात्राओं की सूची मेधा सॉफ्टवेयर पर सप्ताह भर के अंदर अपलोड कर सुनिश्चित कराएं। दूसरे वनडे में जीत के साथ भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीत लिया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने मेजबान जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 162 रनों के लक्ष्य को भारत ने 5 विकेट खोकर 25 ओवर 4 गेंद में हासिल कर लिया। नाबाद 43 रनों की पारी खेलने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज का आखिरी वनडे सोमवार 22 अगस्त को खेला जाएगा। एसएससी ने स्टेनोग्राफर सीएनडी एग्जामिनेशन 2022 का नोटिस किया जारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 के साथ स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
बिना जेईई मेंस परीक्षा दिए कर सकते हैं आईआईटी की पढ़ाई। आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आईआईटी पटना ने कई नए कोर्स शुरू किए हैं। खास बात यह है कि अब छात्र पटना आईआईटी में जेईई परीक्षा के बिना भी दाखिला ले सकेंगे और इसके लिए आईआईटी पटना 6 नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। आपको बताते चले कि इसके लिए आईआईटी पटना 6 नए कोर्स की शुरुआत करेगा। इन नए कोर्स में दाखिला लेने के लिए छात्र आईआईटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी आईआईटी पटना ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। विवादों के बीच घिरी नई सरकार के उपमुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों से कहा है कि कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, साथ ही उन्हें ईमानदार रहने और शालीन व्यवहार करने की सलाह दी गई है। बीते दिन पार्टी के मंत्रियों के लिए आदेश जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी शख्स को पाँव नहीं छूने देंगे। लोगों से शिष्टाचार भेंट करते वक्त हाथ जोड़कर नमस्ते या आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी से भी भेंट के रूप में गुलदस्ता या फूल की बजाय किताब कलम लेने के कल्चर को बढ़ावा दें। सोन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, अब मांग अनुसार होगी आपूर्ति। बीते दिन सोन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहा। दरअसल सोन नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद सोन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जल संसाधन विभाग के अनुसार बीते दिन इंद्रपुरी बराज पर ऊपरी जल ग्रहण से सोन नदी में 2400 क्यूसेक पानी प्राप्त हुआ, जिसमें से बराज का लेवल मेंटेन के बाद 4675 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है। पश्चिमी संयोजक नहर में 9668 और पूर्वी संयोजक नहर में 4660 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मालूम हो कि सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार की अपील के बाद मध्य प्रदेश के बाणसागर और उत्तर प्रदेश के रिहन जलाशय से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने वाला था, लेकिन अब नदी के जलस्तर को देखते हुए मांग के अनुसार पानी छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक। बिहार में सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। दरअसल बीते दिन बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जमुई में जदयू नेता ने माला फेंक दिया। सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस चूक पर जमुई जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में जदयू नेता पर कार्रवाई की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। मालूम हो कि बीते दिन मुख्यमंत्री शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले में जाकर सूखे का निरीक्षण किया। आज लोगों को उमस भरी गर्मी कर सकती है परेशान। बिहार में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस साल मानसून में पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। वहीं कई क्षेत्रों का भू जल स्तर भी नीचे चला गया है, लेकिन पिछले दो दिनों से राज्य भर में मौसम मेहरबान हुआ और बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आग उगलती गर्मी से राहत पाई। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से मौसम सुहाना था, लेकिन आज के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो सकते हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया बड़ा अपडेट। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वार्ड काउंसिल का आरक्षण तय कर लिया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द महापौर और उप महापौर के पद के लिए भी आरक्षण बहुत ही जल्द तय कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में बताया है कि 248 नगर पालिकाओं में आम चुनाव होने हैं, जिसमें 172 नवगठित हैं, उत्क्रमित हैं और कईयों का क्षेत्र विस्तार किया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पहले से गठित निकायों में 62 पार्षदों के आरक्षण में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान 50% के अंदर ही होना है। मान लिया जाए कि किसी वर्ग में एक पद ही है तो ऐसी स्थिति में वह पद महिलाओं का नहीं होगा। गिद्धौर का ऐतिहासिक मिंटो टावर इस वजह से है बेहद खास। बिहार के जमुई जिले में स्थित एक छोटा सा शहर गिद्धौर, जिसे पतसंदा के नाम से भी जाना जाता है, आरंभिक काल में यह जमींदारों के एक संगठन का केंद्र था। स्वर्णिम इतिहास को समेटे राजवाड़ों की भूमि गिद्धौर कभी राज रियासत हुआ करता था। वहाँ स्थित ऐतिहासिक लॉट मिंटो टावर भले ही आज सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहा हो, लेकिन आज भी यह उस स्वर्णिम इतिहास की गवाह है। आपको बताते चले कि चौथे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो के 1907 में आगमन पर उनके स्वागत में तोरण द्वार के तौर पर गिद्धौर राज रियासत के शासक महाराजा रावनेश्वर प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह ऐतिहासिक धरोहर आज भी जमुई जिले के पहचान के रूप में जाना जाता है।
सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से खर्च का हिसाब लेगी यूजीसी की टीम। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के करीब 325 कॉलेजों के खर्च का हिसाब लिया जाएगा। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में कोलकाता से यूजीसी की टीम 23 से 28 अगस्त के बीच कैंप करेगी और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के करीब 325 कॉलेजों के खर्चों का हिसाब लेगी। इस दौरान सभी कॉलेजों के प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि को बही खाता लेकर आना होगा और अभी तक खर्च किए गए सभी राशि का हिसाब देना होगा। बैठक का समन्वयन विकास पदाधिकारी ही करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन होगा। पटना एम्स में नौकरी का सुनहरा अवसर। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। ऐसे युवाओं को बताना चाहेंगे कि पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी पटना एम्स ने स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में फैकल्टी के पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। फैकल्टी के इन पदों पर अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मेडिकल एजुकेशन में स्नातकोत्तर एवं विशेषज्ञता डिग्री की होनी चाहिए। स्वीकृत पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 1,67,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये प्रति महीने की वेतन मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2022 है। अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए सभी परेशानी हुई दूर। वो दिन अब दूर नहीं जब बिहारवासी पटना में मेट्रो के सफर का आनंद लेंगे। मालूम हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया था। वहीं अब खबर यह आ रही है कि अंडरग्राउंड स्टेशनों के निर्माण को लेकर जमीन की परेशानी दूर हो गई है। आपको बता दें कि 6 में से 4 स्टेशनों को लेकर जमीन अधिग्रहण की समस्या थी, जिसे लगभग दूर कर लिया गया है। पीएमसीएच विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का निर्माण संबंधित संस्थान परिसर में ही होगा। फ्रेजर रोड में आकाशवाणी स्टेशन के लिए आकाशवाणी और LIC की करीब 1574 स्क्वायर मीटर जमीन ली जा रही है। नई सरकार के नए मंत्रियों के लिए बन रहे हैं नए बंगले। बिहार के नए मंत्रियों के लिए बिहार में 60 करोड़ का नया बंगला का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 60 करोड़ की लागत से बन रहे इन बंगलों के बारे में माना जा रहा है कि अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और अब महागठबंधन की सरकार में बने नए मंत्री इन्हीं बंगलों में रहेंगे। खास बात यह है कि ये बंगले भूकंप रोधी, सोलर सिस्टम, एडवांस सीवरेज सिस्टम सहित कई खूबियों से युक्त होंगे। खास बात यह भी है कि इन बंगलों में एक कैंपस में सभी मंत्रियों के रहने के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिसमें मंत्रियों के सुख सुविधा के लिए क्लब, कम्युनिटी हॉल, उनके सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अलग से बैरक, कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। सेना बहाली के लिए आयोजित होंगी रैली। मालूम हो कि इन दिनों दानापुर में अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया शुरू है। इस बीच सेना भर्ती केंद्र दानापुर में रैली का आयोजन किया जा रहा है इसकी व्यवस्था के लिए सेना के अधिकारियों और पटना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दानापुर कैंट के डायरेक्टर भर्ती कर्नल तजिंदर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन अक्टूबर महीने में होना प्रस्तावित है। रैली 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 20 दिनों तक चलेगी। इसमें 26 अक्टूबर 2022 को होने वाली महिला रैली भी शामिल है। नेशनल कराटे में बिहार के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। हाल ही में नेशनल कराटे के लिए दिल्ली रवाना हुई बिहार की टीम ने एक रजत समेत 9 कांस्य पदक जीते। आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे दूसरे AIKF नेशनल कराटे कप में बिहार के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव भोला थापा के नेतृत्व में अनिकेत राज ने एक रजत पदक जीता है। वहीं सूरज कुमार शर्मा, विशाल, आकाश कुमार, शिव कुमार, दिवेश कुमार, सिद्धांत कुमार, श्रेयांश भारती एवं महिला खिलाड़ियों में अंबिका राणा एवं अंशु ने कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। नालंदा में RCP सिंह ने CM नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिन नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने CM नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए महिलाओं से कहा है कि आप सभी रोटी बनाती हैं, रोटी को एक तरफ से सेकने पर रोटी जल जाती है, रोटी को उलट पलट कर सेकने से रोटी अच्छी बनती है, साथ ही स्वादिष्ट भी होती है। इसी तरह सरकार को भी अपने वोटों के सहारे उलटते पलटते रहिए। मुझे मंत्री बनने पर बिहार के CM को हमसे ईर्ष्या होने लगी। आज जरूरत है कि रोटी की तरह उलट पलट कर सेकने जैसी सरकार बनाने की। अंतिम पंघाल ने भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। बीते दिन भारत की बेटी ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि अंडर-19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता। अंतिम पंघाल ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपको बताते चले कि अंतिम पंघाल ने 53 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की अल्तीन शगायेवा को 8-0 से हराया है। इसके अलावा भारत की सोनम मलिक 62 किग्रा और प्रियंका 65 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर जीतने में कामयाब रही है।
मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण अपनी नाराजगी को लेकर बोले कुशवाहा। नई सरकार का कैबिनेट विस्तार भी हो गया। इस बीच ये खबर तेज हो गई थी कि मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होने का दावा किया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट के जरिए बिहार से बाहर होने का कारण बताया है। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए कहा कि बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रामक एवं अनाप शनाप खबरें प्रचारित की गई हैं और की जा रही हैं। ऐसी अनर्गल बातों को हवा देने वाले महानुभावों को यह मालूम होना चाहिए कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि कई बार अपनी नाराजगी जताने के लिए बड़े बड़े पदों को लात जरूर मारी है। इतिहास गवाह है कि मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है। सुशील मोदी ने अपनी संपत्ति लालू यादव को गिफ्ट करने का किया ऐलान। भाजपा नेता सुशील मोदी अपनी संपत्ति लालू यादव को गिफ्ट करेंगे। दरअसल महागठबंधन सरकार बनने के बाद पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया है और इस बीच सुशील मोदी ने अपनी संपत्ति लालू परिवार को गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजद के बाहुबली मंत्री प्रमाणित कर दें कि पटना का खेतान मार्केट या लोधीपुर मॉल का मेरे परिवार से संबंध है तो मैं लालू परिवार को दान कर दूंगा। ऐसे लोग माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करूंगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1988 में भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1871 में भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवक गोपाल कृष्ण देवधर का जन्म हुआ था। 1910 में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ था। 1927 में एक स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल बी सत्य नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। 1931 में पंडित विष्णु दिगंबर का निधन हुआ था। 1978 में भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला का निधन हुआ था। 1978 में भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है, विनू माकंड का निधन हुआ था। 1981 में भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का निधन हुआ था। 1995 में खगोल भौतिकी शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 2006 में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ट्विटर लेकर आएगा यह नया फीचर। ऐप रिसर्चर जेन मानचून वोंग एक नए फीचर की मदद से ट्विटर को और भी भरोसेमंद बनाना चाहती हैं। दरअसल टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने आरोप लगाया कि ट्विटर पर कई बॉट मौजूद हैं। बताया जाता है कि इसके चलते ही मस्क ने $44 बिलियन की डील कैंसिल कर दी थी। इसके बाद वोंग ने कहा कि ट्विटर प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए हम इस फीचर पर काम कर रहे हैं। कंपनी उन लोगों के लिए एक ऑप्ट आउट पर भी काम कर रही है जो अपने मोबाइल नंबरों को टैग नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ट्विटर पर ब्लू टिक प्रोफाइल को पहले ही अपने अकाउंट को ईमेल या फोन नंबर ऐड करना होता था। अब से पहले की सरकार में जो भी बदतर स्थितियां थी उसमें सुधार किया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कन्हैया सिंह, मृत्युंजय कुमार, रामदम्बी मांझी, जितेंद्र यादव, कविता कुमारी, मंडनी यादव, मोहम्मद शरीफ, सृष्टि साक्षी, मोहम्मद नौशाद, रंजीत मिश्रा, उमेश शर्मा, राजकुमार प्रसाद, मोहम्मद अबरार और अनिल मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि तेजस्वी यादव द्वारा अपने मंत्रियों के लिए जारी किए गए कुल 6 प्रकार के गाइडलाइन से क्या कुछ बदलने की संभावना है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।